सब्सक्राइब कीजिए मोहम्मद आलियान चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज तो हो गया है बहुत कमाल और ये वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं करने वाला हूँ गिव अवे इस वीडियो गेम्स की पॉप स्टेशन की तरफ से जो मुझे मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास हैं फ़िलहाल दो वीडियो गेम्स, जिसमें से एक मैंने अपने लिए लिया है और एक है गिव अवे के लिए, जो कि है 500 सब्सक्राइबर्स की खुशी में। तो दोस्तों वैसे तो ये कोई ज़्यादा बड़ी गिव अवे नहीं है, काफ़ी छोटी गिव अवे है, लेकिन पहली गिव अवे है और इसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा 10 मार्च को, आपको इसका रिज़ल्ट मैं अनाउंस कर दूंगा। और इसके अलावा हम करेंगे इसके बाद एक बड़ी गिव अवे, जो कि होगी एक मोबाइल की गिव अवे। इनफैक्ट ये काफ़ी छोटी गिव अवे है और काफ़ी फ़नी गिव अवे मैं करने जा रहा हूँ। इसकी ये भी जगह है वैसे तो AliExpress की तरफ से मुझे पॉप स्टेशन की वीडियो गेम और इसकी अनबॉक्सिंग मैं करने वाला था, लेकिन इसका जो बॉक्स AliExpress की तरफ से भेजा गया था वो काफ़ी बड़ा था और वीडियो के फोकस में नहीं आ रहा था, तो मैं पहले ही अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, खाली रिव्यू करके दिखाना है आपको कि क्या है, कैसा है और कैसे मिलता है। तो दोस्तों मेरा नाम है आलियान, आप देख रहे हैं मोहम्मद आलियान यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है AliExpress की तरफ से आने वाला पॉप स्टेशन का एक वीडियो गेम, जो कि काफ़ी बेहतरीन है और गिव अवे के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इसी हम रैप को हटा लेते हैं, यहाँ पे लगा है इसकी रैप्ट, काफ़ी छोटी गिव अवे है और काफ़ी ज़्यादा रकम की भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास है एक वाइट में और एक है मेरे पास यहाँ पे ब्लैक में और वाइट में है। तो दोस्तों यहाँ पर आप कर सकते हैं इसके दो सेल्स को पुट और उसके अलावा आप इस गेम को, वीडियो गेम को प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास है अभी एक ब्लैक में, इसको भी आप सेल्स को पुट करके यहाँ पे आप MP3 चला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें चला सकते हैं पॉप स्टेशन की तरफ से आने वाला, जिसका मॉडल नंबर है ZZ3030। यहाँ पर हमें दिए गए हैं तोशिबा के 4 सेल्स जो कि, और 2 एक्स्ट्रा दिए गए हैं। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं 2.5 वोल्ट के यहाँ पे हमें दे दिए गए हैं तोशिबा के सेल्स, पर्पस के जनरल पर्पस के इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई ज़्यादा ख़ास सेल नहीं है, बैटरी स्ट्रैप भी आप कह सकते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे अब यहाँ पे हमें 2-3 और मिल जाते हैं, यहाँ पे हमें दिए गए हैं 6 जो कि 2 एक्स्ट्रा आ गए हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है कि हम एक्स्ट्रा सेल्स हमें दे दिए गए हैं। दोस्तों वैसे यहाँ पे कोई ये ख़ास सेल नहीं है, ज़्यादा साथ इसकी कोई कीमत भी नहीं है, आप देख सकते हैं ये छोटे मोटी बैटरीज़ हैं, ज़्यादा इस्तेमाल घर के इस्तेमाल में भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो काफ़ी फ़नी ये है हमारे पास वीडियो स्टेशन पॉप स्टेशन के वीडियो गेम। तो दोस्तों इसकी लगभग कीमत जो है वो एक की है तकरीबन 2000 रुपये और दूसरे वाले की भी 2000 रुपये, ये तकरीबन मिलाकर आपको 4000 रुपये के वीडियो गेम्स पड़ गए हैं मुझे। तो वैसे ही रिव्यू के लिए भेजे गए हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ बैटरी सपोर्ट करके थोड़ी सी इसका रिव्यू। दोस्तों इसका रिव्यू करने का मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे रिव्यू के लिए भेजा गया तो ही मैं आपको पॉजिटिव रिव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, अब हम सिंपली गेम लगा लेते हैं और कोई गेम प्ले कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया फोकस थोड़ा सा और अच्छा। अब यहाँ पे हम रोटेट, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है रोटेट पे क्लिक करके हम कोई भी गेम आगे की तरफ ले सकते हैं। अब हम लेते हैं कोई गेम, इसमें हम खेलेंगे 8-9 कोई गेम खेलते हैं, 9 वाला खेल लेते हैं, 9 वाला लगा के हमने SP पे क्लिक कर हमारा गेम स्टार्ट हो गया है। हम यहाँ से आगे पीछे करके यहाँ से हम शूट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा गेम है और काफ़ी अच्छा पॉप स्टेशन की तरफ से भेजा गया है, जिसका मॉडल है ZZ3030। तो आप यहाँ देख सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पर आप ऑफ़ करके भी दोबारा ऑन कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं अपने गेम को, साउंड को भी ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे रीसेट ऑन ऑफ SP और पॉज का मतलब और साउंड का भी दे दिया गया है ऑप्शन। तो दोस्तों अब यहाँ पे साउंड और SP के अलावा यहाँ पे बहुत से फ्यूचर्स आपको और मिल जाते हैं, जो कि हैं यहाँ पे गेम प्ले का, और आपको मिल जाता है यहाँ पे SD कार्ड पोर्ट करने का, इसके अलावा आप डेटा केबल HDMI भी इसमें लगा सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ पे अगर चाहें तो आप इसमें मेमोरी कार्ड डाल के अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, गाने और वीडियो वगैरह, MP3 एंड MP4 वीडियोज़ भी ले सकते हैं, जो कि इसमें भी फ्यूचर है, इसी वजह से इसकी इतनी कीमत है। वरना आम अगर आप मार्केट से लेते हैं तो आपको मार्केट में आराम से
500-400 रुपये का मिल जाएगा। अगर इसमें होता है एक स्पीकर यहाँ पे दिया हुआ है एजमिया के मिले 3.5 mm का। इसके अलावा यहाँ पे और कोई ज़्यादा ख़ास फीचर्स नहीं हैं जो कि इस पॉप स्टेशन के बारे में कहा जाए। तो दोस्तों ये कर रहे हैं हम गिव अवे के लिए, और दूसरा जो है वो है मेरे अपने इस्तेमाल के लिए। अब आ गए यहाँ सेल्स, तो सेल्स भी आपको मिलने वाला है गिव अवे में। और अब आ जाते हैं इसकी तरफ वाइट वाला जो है, तो इसमें सेल लगा के भी दिखा देते हैं शायद। लेकिन ये जो वाइट वाला है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं और गिव अवे के लिए काफ़ी बेहतरीन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।